साइरा मैम, नंबर आई। साइराम बेटा, साइराम साइराम साइरा मैम, साइराम बेटा। हाउ मेनी हैव जॉइंड? 33, 32, स्टिल वन इज लेफ्ट। अच्छा वो ओके ओके, वो हो गई अनुष्का, हो गई मेरी। हाँ ठीक। सो हैव यू ट्राइड दैट सेकंड क्वेश्चन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल? यस मैम। मैम ऑल हैव ट्राइड? यस मैम, सो एनी वन ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर और नॉट? यस मैम, आई गॉट द करेक्ट आंसर मैम। ओ व्हाट इज योर नेम? अर्शद। हर्षित, ओके गुड, चलो ठीक है, बाकी लोग ट्राई करें, आंसर आएगा ये तो कंफर्म यस है। मैम। अभी किसी को बताना मत बेटा, अभी इनको खुद को सबको ट्राई करने देना, ठीक है? 2 दिन का टाइम। मैम मैंने रेशियो की इज टू वन लेके करा, जब भी आ गया। एक दो इक्वेशन बनी थी, फिर मैम के एलिमिनेट हो गया था तो आंसर आ गया क्या रेशियो लेके चले हो? मैम, के इज टू वन। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सेकेंड कोलिनियर के, पॉइंट। अच्छा तो K:1, क्या सोच के तुमने K:1 लिया? रेशियो दिया ही नहीं था ना। नहीं, इसको तीनों मेथड से करते हैं एक्चुअली। में जो कोलिनियर पॉइंट्स का क्वेश्चन है उसको हम 3 मेथड से मैम कर इसने सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके दिया। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को जो 3 पॉइंट्स को लीनियर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप 3 मेथड से कर सकते हो। एक हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपसे कहा था, एक होता एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि डिलीट हो गया, और थर्ड इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप। सेक्शन फॉर्मूला से हो गया चलो ठीक है, बट अभी उस पर ओके ट्राई करना बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ट्राई करना, ओके ठीक है? उससे भी ट्राई करो, उससे भी आएगा सेक्शन मैम, आप ही फॉर्मूला। बता दो ना, 2 बार से तो ट्राई किया ना नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैम। हाँ बेटा, जब तक आप मैम मुझे ऐसे, या तो फिर रॉन्ग सोल्यूशन आप भेजो, उसमें मुझे ये लगे आपने ट्राई किया है, देन आई विल सेंड करेक्ट सोल्यूशन, भले ही रॉन्ग हो, लेकिन आप मुझे पता तो चले कि ट्राई भी किया, कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है? सो ओके मैम, मैम टुडे भी, हाँ बेटा बोलो। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसका जो फॉर्म है वो है अंडर रूट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट सी, तो हम रूट को कैंसिल कर सकते हैं? 100% यदि मैम लेफ्ट लेफ्ट से बिल्कुल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में सिंगल रूट हो, सिंगल मैम मतलब सिंगल नहीं है ना, नहीं एडिशन है सिंगल, ना। यदि आपका होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट सी, कभी कैंसिल नहीं होगा, बट हाँ यदि तो है वही तो आ अंडर रहा है रूट मैम। टू, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ इसमें तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का फॉर्म आ रहा है, वो रूट नहीं कैंसिल होगा, बट यदि अंडर रूट ए तो प्लस उसके बी हो, आगे सॉल्व कैसे करेंगे मैम? स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, चलो एक हिंट दे दिया, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, और ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा तो फिर आपका सपोज हाँ अंडर, ठीक है बस, तब अब आ उसके जाएगा। आगे ट्राई करो। हाँ उसके आगे आज ट्राई करना, फिर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट हिंट दूंगी। ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आपका, फिर इसके बाद में कंस्ट्रक्शन कराऊंगी, ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन भी मैंने कल एक साइट देखी, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मुझे इसी चैप्टर का थोड़ा टेंशन था कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, बट बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही थी, बट हो गया, अच्छे से हो गया। अभी नहीं किया बेटा, रुक जा, वेट कर, अभी नहीं किया प्रेजेंट, डोंट वरी, जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन, वेट। ओके इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम।
यस मैम। सब लोग म्यूट रखना और इसको ध्यान से सुनना जरा। कैन यू सी अ राइट ट्रायंगल इन दिस पिक्चर? ओके, वॉल्यूम क्लियर है? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम, ध्यान से सुनो। Look closely. A right triangle is formed between the students saluting the flag, the top of the flagpole and the base of the flagpole. Here's another right triangle formed between the boat, the top of the lighthouse and the base of the lighthouse. Here are some more examples of right triangles in everyday life. Now, visualize a right triangle in this figure. By applying suitable mathematical techniques, we can easily find the height of the trees or the distance between these trees. Trigonometry is a branch of mathematics that teaches these techniques. In Greek, tri means three, gon means sides, and metron means measure. You do one thing, you all write first, you write, trigonometry is derived from three Greek words. Ye aap start karo likhna jaldi fatafat. First you write, trigonometry is derived from three Greek words, tri, gon, metron. Start karo likhna. Ma'am, it's written on the book. Haan, to, ye kisne bola? Ye kisne bola? Charu, everything is written on the book. Book mein to sab kuch hai. Chal likh jaldi. Derived from three Greek words, tri means three, gon means sides, metron means measure. Written? Yes, yes, ma'am. So trigonometry is a study of the relationship. हाँ, ये भी पूरा नोट कर लो. Trigonometry is the study of the relationship between the measures of three sides and angles of a triangle. ये भी नोट डाउन कर लो. This is the definition of trigonometry. Between the measures of the three sides and the angles of a triangle. First you note it down. Noted? अब इन्होंने इसमें जितने भी एक को फिर से एक बार देखते हैं, जो प्ले अगेन, ध्यान से देख, जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं ये हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में, इससे भी एडवांस है. इसमें तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये है नेक्स्ट चैप्टर. मतलब जो जो एग्जाम्पल्स दिए ये सब हम आराम से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ये सब फाइंड कर सकते हैं. हाइट ऑफ ट्री फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज, हाइट ऑफ कुतुब मीनार, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. वन टू थ्री, किसी की हाइट, या ये आपका हाइपोटन्यूज से ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या बेस की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बहुत सिंपल ट्रिक से समझाएंगे. इसको एक बार फिर से देखो. कैन यू सी अ राइट ट्रायंगल इन दिस पिक्चर? लुक क्लोजली. अ राइट ट्रायंगल इज फॉर्मड बिटवीन द स्टूडेंट्स सैल्यूटिंग द फ्लैग, the top of the flagpole and the base of the flagpole. Here's another right triangle formed between the boat, the top of the lighthouse and the base of the lighthouse. Here are some more examples of right triangles in everyday life. Now, visualize a right triangle in this figure. By applying suitable mathematical techniques, we can easily find the height of the trees
or the distance between these trees. Trigonometry is a branch of mathematics that teaches these techniques. In Greek, tri means three, gon means sides, and metron means measure. So trigonometry is a study of the relationship between the measures of the three sides and the angles of a triangle. Look at this triangle PQR. Next or dekho, bas last 2 minute aur. In this triangle, angles QPR and PRQ are acute angles. Now, let's consider the trigonometric ratios of one of these acute angles. Okay, leave say it. Angle PRQ or in short. Sure. Now come to this. Ab dhyan se dekhna. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. आपको क्या करना, पहले ध्यान से सुनो सब लोग, क्या क्या आज आपको अच्छे से रीड करना है. नंबर वन इंट्रोडक्शन 8.1, वन एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट एग्जांपल. ये सब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इसलिए अभी आपको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही, जस्ट थोड़ा शॉर्ट में आप रीड कर लेना. जो आपका एप्लीकेशन होगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल. इस ये क्वेश्चन ही आपके एक्सरसाइज का, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला, सेम क्वेश्चन है. उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से. और ये जो चारू अभी कह रही थी, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई मीनिंग थ्री, गॉन मीनिंग साइड्स, मेट्रॉन मीनिंग मेजर. इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना. अब नेक्स्ट ध्यान देगा. अब जो आपकी स्टार्ट हम करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स. यहां से भी मैं आपको बताना शुरू करती हूँ. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ध्यान से देखना. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज. ध्यान से देखना, रेशियो क्या है, सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल. बच्चे समझना, कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है, राइट ट्राइंगल. अभी तो राइट ट्राइंगल है आपके कोर्स में, बट जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो किसी भी ट्राइंगल के लिए, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के लिए भी होता है. यानी अभी तो आप सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल्स के लिए पढ़ोगे, लेकिन बाद में ये 180 डिग्री 270 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, हर एंगल्स के लिए होता है. लेकिन आपके कोर्स में भी फिलहाल 0 to 90 है, और अभी डिलीटेड में 0 भी हट गया, 90 भी हट गया, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूंगी 0 90 बता दूंगी. तो अभी आपके कोर्स में है फिलहाल देखा जाए तो 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं, इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ये आपके कोर्स में है अभी. ठीक है, ओके. तो अब फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल. तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स. तो नेक्स्ट डेफिनेशन ये लिखो आप लोग. सिंपल ही चैप्टर, बहुत इजी है, डोंट वरी, सबको आ जाएगा. तो नेक्स्ट यू हैव टू राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स. ये आप यहां से लिख लेंगे, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब इसका मीनिंग समझो, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग आपको समझा रही हूँ. यानी पहली बात तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये मैम, लिखना है क्या है, आप कॉपी, मैंने इसलिए वहां पे अंडरलाइन कर दिया, बिल्कुल लिखना है आपको ये पूरा. यहाँ से लिख करके हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स, डेफिनेशन लिखोगे रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद अभी रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या, अभी बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल लिखे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स. यू हैव टू राइट, ये आप लिख लेना. डेफिनेशन आती नहीं है, 100% नहीं आएंगी, बट फिर भी पता होना चाहिए. ओके, अब इसका मीन अब समझा रही हूँ, ध्यान से समझना इसको. यदि आपको एक क्वेश्चन तो 100% 2 या 3 मार्क्स का इसमें से आता है, जो अभी बताने वाली हूँ आपको, पूरा फुल फोकस करना. सपोज इट इज अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल हो गया. अब राइट ट्राइंगल होगा तो वन एंगल होगा 90, समझते जाना ध्यान से. ए बी हो जाएगा आपका बेस,
और बी सी इज हाइट, इसको हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर में आपकी जो इसमें यूज किया वो परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया, परपेंडिकुलर, और ये सबको मालूम है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये हो गया आपका राइट हैंड। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान से समझना किसके बीच का रिलेशन है, एंगल्स एंड साइड्स। अब क्या मतलब है कि एंगल्स एंड साइड्स का रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या है वो ध्यान से देखो, अब सपोज करो ये तो 90 डिग्री है, अब ये दोनों एंगल्स 100% एक्यूट होंगे, एंगल ए भी एक्यूट होगा और एंगल सी भी एक्यूट होगा, अभी आपके कोर्स में सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए है, जब आप 11th में जाओगे तो फिर ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए भी मिल जाएगा, इनफैक्ट स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स भी है, सब कुछ है सारा 11th क्लास में, अभी सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ ये ट्रायंगल बनाया बस। अब ये एक्यूट एंगल, सपोज दिस एंगल इज डिनोटेड बाय दिस, बताओ कौन सा, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रीक वर्ड है, तो ये है आपका थीटा। अब सपोज करो ये भी एक्यूट एंगल होगा, मैंने इसको ले लिया ये साइन, बोलो क्या है ये जल्दी, 90 माइनस थीटा, इसको मैं साइन का पूछ रही हूँ, ये साइन क्या है, नो एक मैंने इतना बनाया और एक मैंने ऐसे बनाया, सेंटर से जाएगा ऐसा, पता नहीं इसका आंसर, पता नहीं है क्रॉस थीटा एंड कॉट, क्या डिग्री क्रॉस थीटा डिग्री, ये डिग्री कौन बोल रहा है, कुछ सेंटीग्री डिग्री का साइन क्या होता है, ये है डिग्री का साइन, दिस इज फाई, ये होता है थीटा, इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज पाई, ये पाई है, ये फाई, स्पेलिंग, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, स्पेलिंग आई थिंक नॉट कंफर्म, आप गूगल कर लेना एक बार, पी एच आई या पी एच वाई, मे बी दो में से कोई एक होगा, आप लोग कंफर्म कर लेना एक बार, क्योंकि इनका कोई ग्रीक वर्ड है, इनका कोई प्रॉपर स्पेलिंग तो होती नहीं, हाँ पी एच आई, हाँ दो में से एक है, आप चेक कर लेना, ठीक है, तो ये होता है, ये ध्यान रखना जब ये ऐसे क्रॉस करके आएगा, दिस इज फाई और ये होता है आपका थीटा। अब सपोज ये भी एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, एक मैंने ले लिया थीटा, एक मैंने ले लिया फाई, अब आप ध्यान से समझ, नेक्स्ट में क्या बता रही हूँ, अब क्या है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एक्यूट एंगल्स, आप अपने कोर्स के हिसाब से समझो, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, लेकिन अभी फिलहाल हम एक्यूट एंगल्स ले रहे हैं दोनों, तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री, अब सपोज करो मैंने अभी फिलहाल इन दोनों का रिलेशन ले लिया, ध्यान से देखना, बी सी अपॉन ए बी, अब आप सोच के देखो हमारे पास थ्री साइड्स हैं, इन तीन साइड को आपको रेशियो लेना, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, आप कितने केसेस ले सकते हो, मैं सारे केसेस लिख के दिखाती हूँ, आप लिख सकते हो बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको मैंने बी ले लिया शॉर्ट में, इसको मैंने पी ले लिया शॉर्ट में, कलर चेंज कर देते हो, रुक जाओ, बी पी और ये एच, अब आपको सारे केसेस लिखने जितने पॉसिबल हो सकते हैं, पहले B को ले लेते हैं, चलो B अपॉन H, फिर एक हो सकता है B अपॉन P, एक हो सकता है इसका रेसिप्रोकल H अपॉन B, एक हो सकता है इसका रेसिप्रोकल P अपॉन B, एक तो मैंने B के साथ लिया, अब P के साथ ले लो, P अपॉन H, P अपॉन B, इसका रेसिप्रोकल H अपॉन P, इसका रेसिप्रोकल B अपॉन P, चेक करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोचो क्या रह गया मैम, क्या रह गया मैम, बी अपॉन पी भी लिख लिया पहले, मैम बी अपॉन पी हो गया, बी अपॉन पी, यस चलो, तो 1 2 और कोई हो गया, चेक करो
हाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, ठीक no. आप काउंट करो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है करेक्ट, 6 ये जो 6 रेशियोज है ध्यान से देखना, ये जो 6 रेशियोज है दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस 6 रेशियोज, ये किसका रेशियो है, साइड्स का। अब जब हम बेस और एच का यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे तो इसको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कॉस। अब आपको मैं एक बार प्रॉपर बता देती हूँ, तो अब आप फिलहाल तो ये समझो कि साइड्स का रेशियो हम कितने केसेस में ले सकते हैं, टोटल 6 केसेस होंगे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, आपको इतना ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है। अब शॉर्ट में ले रही हूँ आपको, अभी तो मैं आपको दिखा रही थी क्या क्या ले सकते हैं। यस बेटा मैम, कॉस मैम कॉस किसे लेते हैं, बता रही हूँ अभी, बता रही हूँ सब बता रही हूँ, एक सेकंड रुको अभी बता रही हूँ। आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, एक फॉर्मूला याद करा रही हूँ, पंडित पी बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद एक लाइन में लिखना, अब उसके आगे हर हर बोले मत कर देना, फिर पी के नीचे एच लिखना हर, बी के यहाँ पर एच लिखना हर, और यहाँ पे लिखना बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख लिया। इसके बाद क्या करना, अपोन करना अपोन करना अपोन करना, दिस अपोन दिस अपोन दिस अपोन, देख भी जाना ध्यान से। तो जो पी अपोन एच होगा, पी अपोन एच का मतलब फिगर में देख लो, परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म एस आई एन ही लिखते, एस आई एन ई फुल होता है बट इसको शॉर्ट में एस आई एन लिखेंगे साइन। अब हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस ध्यान से देखना बेटा, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस, और इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है। लेकिन यदि आप फाई के रिस्पेक्ट में लोगे, ध्यान से देखना, इस फाई के लिए जो पी है ये पी, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, फाई के लिए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, ये सामने वाली। परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट साइड होती है। यदि आपसे कभी कोई पूछे किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर किसको मानते हैं, तो एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, एंगल की जो एडजेसेंट साइड एडजेसेंट वो होती है बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सभी को पता है 90 के अपोजिट साइड। तो इस थीटा के लिए यानी एंगल ए के लिए, या तो इसको एंगल ए लिखो या थीटा लिखो, एक की बात है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बेस हो जाएगा ए बी, लेकिन फाई के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा ये बी सी, और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहेगा। अभी फिलहाल जो मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल 6 होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ट्रायल एंड एरर से, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। तो यहाँ पे है विद डब्ल्यू आर टी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। अभी मैं थीटा के रिस्पेक्ट में आपको समझा रही हूँ, ध्यान मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही।
साईराम, am I audible बेटा ना? Yes, ma'am. जब ऐसा हो तुरंत बताया करो, मैं आराम से समझाए पड़ी हूँ. चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन में कुछ तो प्रॉब्लम होती है. ओके, इज स्क्रीन विजिबल? चलो सब लोग म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए. हाँ, तो फिलहाल जो मैं आपको लिख रहा हूँ, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा. अभी मैं सिर्फ ये वाला एंगल ए या एंगल इसके रिस्पेक्ट में आपको समझा रही हूँ मैं. तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बी सी, हमेशा परपेंडिकुलर होती है एंगल की अपोजिट साइड. तो एंगल जो होगा उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. एंगल की जो एडजेसेंट साइड मतलब उससे जुड़ी हुई, दैट इज बेस और हाइपोटेन्यूज, सबको मालूम है 90 के अपोजिट साइड. सो फॉर एंगल थीटा बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ए बी विल बी द बेस एंड हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है, दैट इज ए सी. बट फॉर एंगल फाई, फाई के लिए ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर. यानी इसका मैं यदि कलर चेंज करती हूँ, रुक जाओ, फाई को मैं लिख रही हूँ ग्रीन, तो ग्रीन के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस. और थीटा ले लेती हूँ ब्लू से, इस एंगल के लिए ब्लू ब्लू परपेंडिकुलर बेस, और ग्रीन के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस. हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए कॉमन रहेगा क्योंकि 90 के अपोजिट साइड आती. सबसे पहले सब लोग बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस? अब ये सबको समझ में आ गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये समझ में आया उस टाइम पे? हाँ, तो आप सबसे पहले जब फॉर्मूला याद करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, आप पहले अपने मन से लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद एक लाइन में, हर हर बोले जस्ट उनके नीचे नीचे, फिर अपोन अपोन अपोन. तो जो फर्स्ट होगा पी अपोन एच, ये कहलाता है साइन. एस आई एन ई इसका फुल फॉर्म होता है, बट शॉर्ट में एस आई एन ई लिखते हैं, और लिखेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा. ध्यान से देखना, यानी परपेंडिकुलर और बेस इसका जो रेशियो होगा, इस रेशियो को किससे डिफाइन करते हैं? साइन से डिफाइन. मैम आपकी आवाज कट रही है. ओके, बाकी लोग बताओ, वॉइस इज नॉट क्लियर? परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा उसको किससे डिफाइन करते हैं, किस रेशियो से? उसके लिए नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन का फॉर्मूला हो गया. अब पहली बात, एक चीज और ध्यान, साइन थीटा का मतलब ये नहीं है साइन इंटू थीटा, ये एक सिंगल वर्ड है, इसको इंटू मत समझना. साइन थीटा का मतलब है कि एक वो रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जब डिवाइड करेंगे, उस रेशियो को हम किससे डिफाइन करते हैं? साइन थीटा से. फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट है जो बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, शॉर्ट में इसको कॉस लिखते हैं. फुल फॉर्म होता है इसका सी ओ एस आई एन ई, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, बट शॉर्ट में इसी को लिखेंगे कॉस थीटा. इसका फुल फॉर्म होता है साइन, एस आई एन ई ऑफ एंगल थीटा, और शॉर्ट में लिखेंगे एस आई एन. लिखते शॉर्ट में ही है, लेकिन इसका फुल फॉर्म यदि कोई पूछे तो एस आई एन ई होते पूरी स्पेलिंग. तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यदि इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए, यस बेटा, मैम कॉस और साइन क्या है? देखो, जब हम कभी भी कोई राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर और बेस को दिस अपॉन दिस करेंगे, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो उसको डिवाइड करने के लिए जो उन्होंने एक नेम दे दिया, वो नेम दे दिया साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर
मैम आपकी आवाज फिर से कट गई। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों को डिवाइड करते हैं तो इस रेशियो के लिए उन्होंने एक नेम दे दिया, उस वो नेम है साइन थीटा। यानी जब भी दिस अपॉन दिस करेंगे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, अब वॉइस क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो। आज पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो जब हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस रेशियो के लिए मैथमेटिशियन ने एक नेम दे दिया और वो नेम है साइन। जब हम बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो उसके लिए एक नेम हो गया, दैट इज कॉस। और जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो उसके लिए उन्होंने नेम दे दिया है टेंजेंट। मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। तो अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो खैर मेरी गलती है, मैंने अभी प्रेजेंट नाउ नहीं किया था। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। ओके नाउ इज इट विजिबल? हाँ ठीक है। हाँ तो आप ध्यान से देखना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन दोनों के रेशियो को नेम दिया गया साइन। यानी जब भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो उस डिवीजन के लिए एक पर्टिकुलर नेम हो गया साइन। बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे उसके लिए नेम है कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म कॉस। और जब परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके लिए नेम होता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन थीटा। यूज हम हमेशा शॉर्ट वाला ही करेंगे, बट फुल फॉर्म होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इन सब में देखो किस किस का रिलेशन है, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, यानी इस एंगल का साइन क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का कॉस क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी ये आपका बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस एंगल का टेन क्या कहलाएगा? टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहलाता है कॉस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहलाता है टेन। सीक्वेंस याद रखना, पहला होगा साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होगा टेन। फुल फॉर्म साइन का साइन ही होता है, कॉस का होता है कोसाइन, और टेन का होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अब साइन थीटा सिंगल वर्ड है, साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू, यानी साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू साइन इंटू थीटा। साइन कुछ अलग से नहीं है, इस एंगल को यदि हम साइड से रिलेट करेंगे तो उसके लिए एंगल के साथ क्या लेना पड़ेगा आपको, साइन लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको किसके रिस्पेक्ट में बताया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बताया। यदि हम फाई के रिस्पेक्ट में देखते हैं तब आप ध्यान से देखना क्या बनेगा आपका, यहां लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना, साइन फाई। अब साइन फाई, ये फाई है, इसके लिए परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था, ट्रिक क्या समझाई, हमेशा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो फाई के अपोजिट में कौन सी साइड है, जल्दी बताओ, एबी। एबी, तो आप पहले लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन एच, एंड रुको इसको थोड़ा डिलीट कर दूं मैं, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर ए बी एंड व्हाट इज एच हाइपोटेन्यूज इज ए सी, यानी साइन फाई का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट कॉस फाई, कॉस मीन्स बेस, यहाँ बस ये सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फाई के लिए बेस क्या होगा जो उससे जुड़ी हुई साइड होती है, एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा आपको बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है बेस, बीसी अपॉन एसी, इसका फॉर्मूला बीसी अपॉन एसी। नेक्स्ट है हमारा टेन फाई फॉर्मूला देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लास्ट वाला होता पी अपॉन बी, तो यहाँ लिख दिया पी अपॉन बी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट कौन सी है, ए बी, ए बी अपोजिट साइड आपका बी सी। ये तो फाई के रिस्पेक्ट में हो गया। यदि हम थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ वैल्यू लिख रही हूँ, रुक जाओ ध्यान से देखना, व्हाइट कलर से लिखते हैं, चलो पी अपॉन एच थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के लिए पी क्या है बी सी और एच तो वही रहेगा ए सी, थीटा के लिए बेस क्या है बी ए बी और वो तो ए सी ही रहेगा, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी और पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी और आपका बेस क्या हो जाएगा ए बी। अब आप ध्यान से देखना, साइन के लिए ये आपको साइड्स का रेशियो मिलेगा और फाई के लिए आपको साइड्स का ये रेशियो मिलेगा, थीटा के लिए ये मिल रहा, फाई के लिए ये मिल रहा, इतना क्लियर हुआ? यस फाई का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आ जाओ, म्यूट करो बेटा, किसी की वॉइस बहुत वो हो रही है। अब क्वेश्चन देखो किस टाइप का आएगा, सिंपल से मैं आपको बता देती हूँ, वन मार्क क्वेश्चन, या चलो मैं बुक में ही आ जाती हूँ, यहीं पर जा जाती हूँ, रुक जाओ, सबसे अच्छा आपको बुक ये एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लेना पूरा, ये सब वही है जो मैंने आपको दिया, इसके फुल फॉर्म दिए हैं देखो। अच्छा इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं, मैंने आपका रेसिप्रोकल तो बताया, ये उसका इसका उल्टा देखो, थ्री तो ये हो गए साइन कॉस टेन, अब साइन का उल्टा ध्यान देखना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है कोसाइन। मैंने आपको सिक्स रेशियोज बताए थे, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P, उल्टा भी तो हो सकता है, बेस अपॉन H भी हो सकता है, H अपॉन B भी हो सकता है, फिर B अपॉन H भी हो सकता है और H अपॉन B भी हो सकता है, तो कुल मिला के इनका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या क्या आएगा ध्यान से देखना, एक आ जाएगा H अपॉन P उल्टा, एक हो जाएगा H अपॉन B और एक हो जाएगा B अपॉन P। H means hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon base and base upon perpendicular. आप ध्यान से देखना, जो H upon P है, वो किसका reciprocal है? P upon H क्या था? जल्दी बोलो। P upon H? H upon P हो जाएगा, इसको बोलते हैं cosec. इसके नेम पहले ध्यान से देखना। H upon P हो जाएगा cosec. इसका फुल फॉर्म होता है cosecant. ये आप लिख लेना, कोसेकेंट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में पहले ले रहे हैं, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका एच अपॉन पी
अब एच देखो थीटा के लिए एच क्या है, ये थीटा है, थीटा के लिए एच क्या है ए सी, और थीटा के लिए पी क्या है, पी मतलब अपोजिट साइड, ध्यान रखना पी अपोजिट साइड, क्या अपोजिट साइड थीटा के लिए बी सी, बी सी, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, ए सी ए सी अपॉन बी सी, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी, ये किसका रेसिप्रोकल हो गया साइन, यानी कॉस से खड़ा है वन अपॉन साइन थीटा, मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया, तो कॉसेक है वन अपॉन साइन, यानी कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पे था बी अपॉन एच, इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होता है कॉस का रेसिप्रोकल, इसी सीक्वेंस में बता रही हूँ, इसका रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यहाँ लिख रही हूँ मैं सेक थीटा, sec थीटा, इसका फुल फॉर्म होता है secant, secant of angle थीटा, cosecant of angle थीटा, secant of angle थीटा, शॉर्ट में होता है sec थीटा, यूज हम शॉर्ट फॉर्म ही करते हैं, तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, अभी मैंने जस्ट बताया था बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, यानी sec क्या हो जाएगा एच एच अपॉन बेस, अब हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, अब देखो कॉस क्या था ए बी अपॉन ए सी, यहाँ देखो इसका उल्टा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, यानी ये मिल गया आपको ए सी अपॉन ए बी, ये हो गया हमारी फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ कम टू सिक्स, अब लास्ट यहाँ पे पी अपॉन बी, पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी मतलब ये लास्ट वाला, अब b अपॉन p ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan का, और tan का फुल फॉर्म क्या था टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, cot थीटा, अब इसका फुल फॉर्म होता है cotangent, tan का होता है टेंजेंट और cot का होता है cotangent ऑफ एंगल थीटा, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है tan, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यहाँ से बस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, फर्स्ट वन साइन, सेकंड वन कॉस, थर्ड वन टेन, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल सेक, और लास्ट का रेसिप्रोकल कॉट, टोटल हो गए सिक्स रेशियोज एंड सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा मतलब ये वाला एंगल, इसके लिए बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो आप देखो इसका उल्टा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये हो गए सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्लियर हो गए सबको, यानी यदि शॉर्ट में देखा जाए, तब शॉर्ट में ध्यान से देखो, पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अपॉन अपॉन अपॉन, फर्स्ट हो गया हमारा साइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल होगा थीटा फाई, हम इसको साइन थीटा भी कह सकते हैं, साइन ए भी बोल सकते हैं, ये जो हमने थीटा थीटा लिखा है यू कैन राइट साइन ए, क्योंकि हमने ए यहाँ पे लिखा, देखो ए साइन ए कॉस ए टेन ए, और फाई को क्या लिख सकते हैं सी, साइन सी कॉस सी टेन सी, आपकी मर्जी ये लो आपकी मर्जी ए बी सी लो चलता है, ओके तो फर्स्ट हो गया हमारा साइन ऑफ एक्यूट एंगल, सेकंड हो गया कॉस ऑफ एक्यूट एंगल, थर्ड हो गया टेन ऑफ एक्यूट एंगल, फिर इसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, अभी जो मैंने लिखा है बिल्कुल रॉन्ग लिखा है, आप सिर्फ साइन लिख ही नहीं सकते, ध्यान रखना, इसलिए मैं कलर चेंज करके लिख रही हूँ, 100% आपको कोई ना कोई एंगल लिखना ही लिखना है, ये टेन है ध्यान रखना, टेन एस आई एन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉसेक का साइन, सेक का कॉस, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉसेक थीटा
और जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन थीटा, दोनों लिख सकते हो। सिमिलरली सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को चाहे तो लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। अब आप जस्ट होमवर्क ध्यान से सुनो, बस आज इतना काफी है। बेस यदि आपको आगे तो आगे तो कर ही लो, एग्जाम्पल वन बड़े आराम से कर लोगे, नो प्रॉब्लम। एक हिंट बस दे रही हूँ आपको, 10A गिवन है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से किसी एक की वैल्यू दे देंगे। इसमें इन्होंने 10 की वैल्यू दे दिया, 10A दे दिया 4/3। अब ध्यान रखना ये एक्यूट एंगल है, यानी A को या तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा या फिर यहाँ लेना पड़ेगा। एक गलती से राइट ट्राइंगल ये नहीं हो सकता A, ध्यान रखना। यदि आप ट्रायंगल ऐसा बना दोगे ए बी सी और क्वेश्चन में 10A की वैल्यू दी है, वहीं पे जीरो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपको हरदम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कोर्स में एक्यूट एंगल्स के लिए, और एक्यूट एंगल्स ये और ये होते हैं। यदि यहाँ A लिखा है तो A इन दोनों में से एक हो सकता है, यदि यहाँ B लिखा है तो यहाँ पे B होगा दो में से एक, C लिखा है तो यहाँ C होगा इनमें से एक। अब 10A 4/3 है, ये रेशियो होता है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं होता, इसलिए साइड को क्या मान लिया 4K एंड 3K मान लिया, क्योंकि K और K क्या हो जाएगा कैंसिल। क्यों क्यों K क्यों लिया, K वो कॉमन है जो कैंसिल होने के बाद मिला है। अब सपोज करो 8 है, सपोज करो BC है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, तो K की वैल्यू क्या हो गई 2, कैंसिल होके 4/3 आएगा। इन्होंने क्या ले लिया 4K 3K उसकी साइड्स का मेजरमेंट ले लिया। अब दो साइड हो गई है, राइट ट्रायंगल है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस यू कैन फाइंड थर्ड साइड। ये सबको मालूम है पाइथागोरस, देखो ये अप्लाई किया AC स्क्वायर, ये 25K स्क्वायर, AC की वैल्यू 5K, तो ये हमारा आ गया 5K। ये कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एक तो 10 दी है, कौन सी 5 बची, साइन निकालो कॉस निकालो, 10 तो निकाल ही लिया, साइन का रेसिप्रोकल निकालो, कॉस का रेसिप्रोकल और 10 का रेसिप्रोकल। अब मान लो आपको निकालना है साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा 4K/5K, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, K कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 4/5। ये देखो 4/5, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। यस मैम। साइन ए 4/5, कॉस से करेंगे क्या हो जाएगा 5/4, कॉस ए है 3/5, तो सेक ए क्या हो जाएगा 5/3। इस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, रिमेनिंग 5 आप निकाल सकते हो। ये एग्जांपल 1 आपको करना है, एग्जांपल 2 थोड़ा टिपिकल है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करना, बन गया तो ठीक है, अदरवाइज डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन। एग्जांपल 2 ट्राई करो और एग्जाम्पल 3 बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। एग्जाम्पल 3 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 4 यू हैव टू डू, एग्जाम्पल 5 यू हैव टू डू, 5 एग्जाम्पल्स करोगे। इसके बाद क्वेश्चन 1 एंड 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 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, बस यहाँ तक आपको कर। इसमें एक हिंट दे देती हूँ, 15 cot A 8 है, तो cot A क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, 15 को अपॉन में ले आएंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, अब साइन और cos sec पूछ रहे हैं, बस वैसे ही करेंगे। cot A राइट ट्रायंगल बनाओ, A मैंने इसको ले लिया, cot क्या होता है, cot होता है 10 का रेसिप्रोकल, और 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये है 8K, ये है 15K, पाइथागोरस थ्योरम, ये निकालो, फिर जो मर्जी निकालो, सिंपल। यस मिस, बस यस बेटा, के कांस्टेंट है, वो मैंने आपको लोएस्ट फॉर्म बताया मैंने आपको, जैसे मान लो 8/6 तो कैंसिल होकर के 4/3 आएगा, तो के वो कांस्टेंट है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब आप इतना कंप्लीट करना, जो डाउट होगा नेक्स्ट टाइम सायरा ली वन बाय वन, मेरी 9th क्लास अभी।